साथियों, पहले की सरकारों के समय इस तरह के कैंप बहुत ही कम लगा करते थे और इस तरह के मेगा कैंप तो गिनती के भी शायद नहीं होते थे। बीते 5 साल में हमारी सरकार ने देश के अलग अलग इलाकों में करीब 9000 कैंप लगाए हैं। भाइयों और बहनों, पिछली सरकार के 5 साल में जहां दिव्यांग जनों को 380 करोड़ से भी कम के उपकरण बांटे गए, वहीं हमारी सरकार ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपकरण बांटे, यानी करीब करीब 2.5 गुना। जब गरीब के लिए, दिव्यांग के लिए मन में पीड़ा होती है, सेवा का भाव होता है, तब इस तरह की गति आती है, तब इतनी तेजी से काम होता है। साथियों, आप वो समय भी याद करिए जब सरकारी इमारतों में जाने के लिए बस स्टैंड, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, हर जगह जाने में आपको दिक्कत होती थी। कुछ जगहों पर अलग रैंप बन जाता था, बाकी जगहों पर बहुत मुश्किल होती थी। ये हमारी ही सरकार है जिसने सुगम्य भारत अभियान चलाकर देश भर की बड़ी सरकारी इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाने का संकल्प किया। बीते 4-5 वर्षों में देश की सैकड़ों इमारतें, 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य बनाई जा चुकी है। जो बची हुई है उन्हें भी सुगम्य भारत अभियान से जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो नई इमारतें बन रही हैं, ये रेलवे के नए कोच हैं, उनमें पहले से ही ध्यान रखा जा रहा है कि वो आपके लिए, दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल हो। भाइयों और बहनों, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अलग अलग भाषा होने की वजह से भी मेरे दिव्यांग भाई बहनों को बहुत दिक्कत होती थी। पहले ये सभी सोचा ही नहीं गया कि दिव्यांगों के लिए भी एक कॉमन साइन लैंग्वेज हो, इसके लिए भी प्रयास हमारी ही सरकार ने शुरू किया। देश भर के सभी दिव्यांगों के लिए एक कॉमन साइन लैंग्वेज हो, इसके लिए सरकार ने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। अभी आज मेरे भाषण के साथ साथ यहां पर मंच पे हमारे दिव्यांग जनों के लिए साइन के द्वारा भाषण बताया जा रहा है। पहले स्थिति यह थी कि एकाध राज्य के बच्चे ये समझ पाते थे, अब ये नई व्यवस्था के कारण तमिलनाडु का व्यक्ति भी इस लैंग्वेज को समझ पाएगा, कश्मीर का व्यक्ति भी इस लैंग्वेज को समझ पाएगा। अब ये काम भी 70 साल तक करने की किसी को फुर्सत नहीं थी, लेकिन जब दिव्यांग के प्रति संवेदना हो, हिंदुस्तान के एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करने का इरादा हो, तब जाकर के ऐसे काम होते हैं। और अब इस सेंटर ने करीब 6000 कॉमन शब्दों की
एक डिक्शनरी तैयार भी कर ली। यदि आने वाले समय में अगर प्रयागराज से मेरा कोई दिव्यांग साथी अगर चेन्नई में जाएगा या पश्चिम बंगाल जाएगा तो उसको भाषा की उतनी परेशानी नहीं होगी। यही नहीं, करीब 400 से अधिक सरकारी वेबसाइट्स को और हमारी जो करेंसी है, सिक्के हो या हमारी नोट हो, उसको भी हमारे दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल बनाया गया है। वो आसानी से तय कर सकता है एक रुपये की नोट है, पांच रुपये की नोट है, 500 की नोट है, 200 की नोट है, वो आराम से तय कर सकता है। सिक्के का विषय में भी उसको हाथ लगा करके ही वो तय कर सकता है कि सिक्का कौन सा है। और अब तो आप भी देख रहे होंगे कि प्राइवेट टीवी चैनल भी दिव्यांगों के हिसाब से खबरें दिखाने लगे हैं, कार्यक्रम दिखाने लगे हैं। मैं इन सभी टीवी चैनलों को जिन्होंने हमारे दिव्यांगजनों के लिए ये समाचार सुविधा की है उनको बधाई देता हूं। दूरदर्शन के लोग अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं क्योंकि उन्होंने तो सालों से इस काम को किया है और उन्होंने दिव्यांगजनों की चिंता की है। लेकिन अब देश की कई टीवी चैनल दिव्यांगजनों के लिए भी इसी प्रकार के साइनेजिज के द्वारा खबरें दिखाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मानवीय संवेदना के इस काम के लिए वे सभी टीवी चैनल भी अभिनंदन के अधिकारी हैं।